मर सदके मर गया हुआ है बेटा, क्यों रो रहा है? ये पोल जिद करता है, उसको ना पढ़ाओ, उसको ना करो। अस्सलामुअलैकुम, सही नहीं सुबह के साथ नहीं, उम्मीद है आपकी प्यारी बहन नाहिद अख्तर हाजिर है। इन जनाबों ने सुबह का उठ के, मैं वीडियो एडिट कर रही थी, शो डाला हुआ था, भूख लगी है मामा, भूख लगी। अब जैसे ही मैंने खाना ला के रखा है तो ये देखें इसकी हालत, कुछ भी बना लो इसने यही करना है। समझ क्यों तंग करते हो? उठो नाश्ता करें, उठो। मैंने कोई इतना सुनना नहीं है। अभी आप कह रहे थे मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। मामा सुबह से कुछ नहीं खाया, अपने रात को भी खाना सही तरह नहीं खाया था। उठे मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा। तो जनाब ये बिल्ली का बच्चा देखें कैसे पड़ा हुआ था। हमारी वाली बिल्ली ने अपने बच्चे की बहुत केयर करती थी, बाहर तो बिल्कुल ही रहने नहीं देती थी। और इनकी बिल्ली अक्सर बच्चा कभी कहाँ पड़ा होता, कभी कहाँ पड़ा होता। और अभी मैंने जब इसको हाथ लगाया, बहुत ज़्यादा ठंडा भी हुआ हुआ था, तो मैंने वीडियो में देखा था कि ये अगर ठंडे हो जाएं तो ये बच नहीं पाते। तो मैंने इसको दोनों हाथों में रख के काफ़ी देर रखा रहा, गर्म रहा। मैंने वीडियो बनाने के लिए एक हाथ ऊपर से हटाया था, तो मेरे दोनों हाथों में रहने की वजह से काफ़ी हद तक ये गर्म हो गया था। जब ये गर्म हो गया तो मैंने इसको वापस अपनी जगह पर छोड़ दिया। अब दोनों पढ़ते हैं, पढ़ो आप भी। मोबाइल डॉग बनी है। बेटा क्यों रो रहा है? ये पोल जिद करता है, उसको ना पढ़ाओ, उसको ना करो। अच्छा अच्छा नहीं पढ़ा, अच्छा अच्छा उसको नहीं पढ़ाती। अच्छा 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 ना जानी, वो आपको कुछ कह रहा है, वो तो आपको कुछ नहीं कहता है। अच्छा मैं इसको पढ़ा दूँ, आप जाओ ना। बाल्टी बाल्टी लिखा हुआ है बीच में। हाँ बाल्टी, ये बकेट है, बकेट बकेट। ए नहीं पढ़ो ना, ए ये लिखा हुआ है। ए ये क्या है? ये क्या है? क्या एग? ये बॉल है, गेंद। आपकी बॉल किधर है? मेरी बॉल तो नहीं है ना, वो दरवाजे के पीछे। आपकी किधर गई? क्या बॉल के साथ खेलोगे अब तो? समझ दी, चलो बॉल लेके आ, खेलते हैं। चलो तीनों खेलते हैं। ये चलो ये अब तो समझ अब फांस बहुत ज़्यादा चढ़ता है। अब जब ये फ़ान किसी किसी चीज़ के साथ खेलता है, कुछ करता है, या इवन मैंने फ़ान को पढ़ाना स्टार्ट किया है तो वो उसके साथ भी बहुत चढ़ता है, मुझे उसको पढ़ाने नहीं देता है। जब वो कहीं उफरा के पास होता है, ये रूम में होता है, फिर मैं अब इसको पढ़ाती हूँ। और बहुत ज़्यादा रोता है, उसके साथ उसकी मर्ज़ी होती है, फ़ान जाए यहाँ से। उसको अक्सर कहता भी रहता है फ़ान जाओ यहाँ से। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। और यहाँ पर फ़ान मुझे स्टोरी सुना रहा था जो उसने यूट्यूब से देखी थी, इसके देख मुझे याद आया हम पहले ख़ुद नानी दादियाँ बच्चों को सुनाया करती थी, और आजकल के ज़माने में बच्चे नानी दादियों को स्टोरी सुनाते हैं। और इसकी स्टोरी की मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, आप सुने शायद आपको कुछ समझ में आ जाए। क्या बात है? तो जनाब अब जो समझ साहब के लिए बनाए चिप्स, एक ही आलू था जिसके मैंने आपके लिए चिप्स बना दी। खुश चार हो गए हैं, सुबह के इसने कुछ नहीं खाया। अभी मैंने एक ही आलू पड़ा था, मैंने कहा इसको चिप्स ही बना दूँ, कुछ ना कुछ तो खा ही है। मुझे इसकी बड़ी परेशानी है, ये खा पी क्यों नहीं रहा। अब बोलो तो नानी के पास जा रहे हैं, नानी को सलाम करने जा रहे हैं।
कहते तो जनाब मोबाइल रख तो जनाब हमारी नानी आ गई हम जा रहे हैं नानी के पास। ये फॉर्म ब्लॉगर बन गए वो ब्लॉगर। ये देखें बच्चा बेचारा मर गया जी। पहले ही शक था ये किटी इसको संभालती नहीं है। दिन को मैंने इसको हाथों में रखा रहा थोड़ा गर्म हुआ था। क्यों मर गया? मर गया है ना, मर गया है कि देखो मर गया हुआ है। अच्छी बात है कि तेरे एक दमाग ले कर दम मर गया। माय सदके मर गया हुआ है। हाँ ये देखिए देखिए देखो 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 तो देखो तो इसको थोड़ी सी भी सांस नहीं आ रही। मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।